बूंदी जिले के 93 वर्षीय वीर सिंह यादव ने 65 सालों से लगातार कैंसर को मात देकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। बूंदी जिले के रहने वाले वीर सिंह बूंदी शहर में डेयरी का संचालन करते हैं। करीब 65 वर्ष पहले उन्हें कैंसर हुआ था। उन्होंने आम इंसान की तरह जीवन जीते हुए कैंसर के मरीजों में सबसे लंबी उम्र पाने का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। अपने आप में लाइलाज इस बीमारी से लड़ने वाले वीर सिंह उन मरीजों के लिए उदाहरण है जो इस बीमारी का नाम लेते ही घबरा जाते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से आए सदस्यों ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक अशोक डोगरा, एसपी जय यादव, सभापति मधु नुवाल, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद सेकंड नंबर पे यही आती है, इसमें बूंदी का नाम दर्ज हो रहा है। श्री वीर सिंह जी की प्रेरणा से, उनकी हौसले से, जो ऐसी बीमारी कैंसर जैसी 1962 में उनको हुई, 60 साल हो गए। उन्होंने 60 साल पहले 1963 में ऑपरेशन कराया और आज भी वो नियमित जीवन जी रहे हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। ये बीमारी कहने को बहुत बड़ी है, जिसको हम अभी जो देख पा रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है। बीमारी बढ़ने का कारण है मेडिकल साइंस है, जिसके अंदर ये बीमारी बढ़ती है। और अगर इसको मैनेज किया जाए, इसके अंदर पेशेंट अगर मोटिवेट है, वो चाहता है कि मैं ठीक हूँ, उसका डर खत्म हो जाए, वो खुश रहे, तो इससे सर्वाइव कर सकता है, निकल सकता है इसके अंदर। इन्होंने जो संघर्ष था इनका यही था, 1963 के अंदर जब इनका ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, पर इनका मनोबल बहुत ऊंचा था और परिवार वालों ने इनको मोटिवेट किया, जिसके चक्कर में ये सर्वाइव कर पाए। दादाजी ने वीर सिंह यादव जी को अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज सम्मान दिया जा रहा है और इसके लिए केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवारजन बहुत ज्यादा खुश है। इससे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि कभी भी हमें हौसला और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हम कहीं से भी वो उम्मीद का दामन थाम के हम जिंदगी भर आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को हमेशा ही इन्होंने प्रेरणा दी है। हम जब छोटे से थे तभी से इन्होंने हमें डर निकालना सिखाया और हौसले से आगे बढ़ना सिखाया और उम्मीद का दामन थाम के तो इस संसार चल रहा है, तो ये भी चले हैं।